वरिष्ठ नेता शरद पवार ने स्वीकार कर लिया है कि कारोबारी गौतम अडानी के आवास पर भाजपा और एनसीपी नेताओं के बीच बैठक हुई थी। इस मीटिंग में अडानी भी मौजूद थे। द न्यूज मीटिंग से बातचीत में उन्होंने कहा है कि बैठक में अडानी, अमित शाह और अजीत पवार मौजूद थे। इसमें दिलचस्प बात तो यह है कि बैठक अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले हुई थी। उस दौरान वो देवेंद्र फर्नांडिस के साथ सरकार बनाने जा रहे थे। मशहूर रैपर बादशाह फिर से विवादों में घिर गए हैं। जी हां, बादशाह पर आरोप है कि उन्होंने एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और तय की गई फीस का भुगतान भी अभी तक कंपनी को नहीं किया है। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र के लिए गारंटियां जारी की है, जिसमें महिलाओं के लिए 3,000 रुपये हर महीना शामिल है। साथ ही फ्री बस सेवा, बेरोजगारों के लिए 4,000 रुपये महीना, 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और फ्री दवाइयां है। साथ ही किसानों को 3 लाख रुपये तक कर्ज माफी और नियमित कर्ज चुकाने पर 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन देने की गारंटी महाविकास अघाड़ी ने दी है। दिल्ली में प्रदूषण के कारण AQI लेवल 450 के पार हो चुका है, जिस वजह से उड़ानें रद्द कर दी गई है और ट्रेनें रोक दी गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ चुनावी आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि मोदी ने कांग्रेस के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के खिलाफ कहा है कि कांग्रेस नेता SC ST और OBC के विरोधी थे। इस पूरे भाषण में यह साबित होता है कि मोदी जी धार्मिक और जाति आधारित दुश्मनी पैदा कराना चाहते थे। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।